इंटीरियर डिजाइन मिस्टेक्स पार्ट टू, जिसमें हम बात करेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड जनरली जो मिस्टेक्स होते हैं हम उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमेश कुमार एंड वेलकम टू एलसी डिजाइन स्टूडियो। लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, पर जब भी हम लेटेस्ट ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं तो वहां पर इश्यूज क्रिएट होते हैं। स्पेशली अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ले रहे हैं डिजाइनिंग के अंदर, तो उस कंडीशन में आपके जो भी रेफरेंस पॉइंट बनते हैं वो है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अगर किसी का रिसेंटली इंटीरियर वर्क हुआ है या आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, वेंडर्स होंगे, वो ही आपको डिजाइन सजेस्ट करेंगे कि या फिर इस टाइप के डिजाइन जो है वो ज्यादा ट्रेंड में है आज के टाइम पर, ये मटेरियल बहुत ज्यादा ट्रेंड में आज के टाइम पर। और ऐसे में बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप बहुत ज्यादा गलत ट्रेंड्स को भी फॉलो कर लोगे, क्योंकि जब हम सेम इन्फॉर्मेशन 10 लोगों से सुनते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि हाँ, ये आज के टाइम पर सच में शायद बहुत अच्छा डिजाइन होगा, बहुत ज्यादा ट्रेंडी होगा, बहुत अच्छा होगा, तो हमें भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा आप सच में बिल्कुल मत करना। जो भी डिजाइन इंप्लीमेंट आप करो, जो भी मटेरियल आप यूज करने वाले हो, अगर आपको पहले से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज उसके ऊपर पहले रिसर्च करो, चेक करो वो डिजाइन सच में इतने रेलेवेंट भी हैं या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसे भी डिजाइन और ऐसे भी मटेरियल्स मार्केट में आते हैं, ऐसे ट्रेंड्स मार्केट में आते हैं जो कब आए कब गए पता भी नहीं चलता। तो जिस भी चीज की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले उसके बारे में आप प्रॉपरली अपने लेवल पर जितना रिसर्च हो सके वो रिसर्च करो, उसके बाद ही किसी भी मटेरियल के साथ, किसी भी डिजाइन ट्रेंड के साथ जाने का फाइनल करना। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप एक किसी स्मॉल साइज स्पेस को डिजाइन करना चाहते हो तो वहां पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पर ज्यादा पैसा लगाने से फायदा क्या ही होगा, कम बजट में जितना हो सके उतना कर लेते हैं। पर ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास डिसेंट अमाउंट का बजट है तो आपको उसके ऊपर स्पेंड जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल साइज स्पेस का प्रॉब्लम यह है कि उसकी डिजाइनिंग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से फिर ऑब्वियसली सबका ध्यान जाने वाला है कि स्पेस बहुत ज्यादा छोटा है। अब इससे डील करने के लिए हमें जो भी आपका फिर स्पेस छोटा है, फिर आपका बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, एंट्री वे हो, आपका बेसिकली कोई भी आपके घर का स्पेस है जो कि काफी छोटा है, तो उस कंडीशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एलिमेंट ऐड करो जो कि सारी अटेंशन ले जाए। जैसे कि आपके स्टेयरकेस में स्पेस काफी ज्यादा छोटा है तो उसमें लाइटिंग सेट करो, तो उससे होगा ये जो भी हमारा फोकस है वो ना कि स्पेस पे जाएगा कि कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कंजस्टेड है या नहीं है, हमारा सीधा फोकस दूसरे उस एलिमेंट के ऊपर चला जाएगा। अब डेफिनेटली इसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेंड तो करना ही पड़ेगा, उसी कंडीशन में ये चीज वर्क कर पाएगी। फिर चाहे आपका स्मॉल साइज का वॉशरूम हो, लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, या बेसिकली घर का कोई भी स्पेस है, तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करो जो सच में अटेंशन ग्रैब करे। बहुत ज्यादा बोल्ड एंड हाईलाइटिंग नहीं बनाना। मैं अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपने कई ऐसी प्रीमियम शॉप्स, शोरूम, ज्वेलरी स्टोर्स देखे होंगे जो जिनमें स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है, और उसको डिजाइन इस तरह से किया होता है कि हमारा उस चीज पर ध्यान ही नहीं जाता कि इतना ज्यादा छोटा है, और जाता भी तो हम फिर उस चीज को इतना माइंड नहीं करते क्योंकि वो इतना ज्यादा वेल डिजाइन होता है कि हमारे ब्रेन के पास इतना टाइम नहीं होता इस बारे में सोचने के लिए कि ये स्पेस इतना छोटा क्यों है। हमारा ऑलरेडी अटेंशन किसी और चीज पर जा चुका होता है। अब कई बार हम अगर अपने इंटीरियर्स के अंदर लिमिटेड बजट में वर्क करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो काफी सारे जो अच्छी क्वालिटी के थोड़े प्रीमियम मटेरियल्स होते हैं वो हमारी लिस्ट से बाहर जा चुके होते हैं, क्योंकि वो हमारे बजट में कभी फिट बैठेंगे नहीं। अब उस कंडीशन में हमें ये बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना कि फिर हमें कोई भी प्रीमियम मटेरियल लगाना ही नहीं है। आप एक चीज प्लान करके चलो कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे कि आपको एक छोटी साइज की एक वॉल को हाईलाइट करना है, उसके लिए आपको एक कस्टमाइजेबल वॉलपेपर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको बहुत बड़ा वॉलपेपर नहीं चाहिए, उसके लिए पूरा रोल परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट उसी के हिसाब से वॉलपेपर आएगा, फिर चाहे वो कितना ही एक्सपेंसिव हो, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम है तो जो ओवरऑल बेसिकली अमाउंट जो निकल गया वो बहुत ज्यादा कम होगा। अगर इसी का अगर मैं एक और एग्जांपल अगर आपको दूं, आपको एक ब्रेकफास्ट काउंटर बनाना है किचन के अंदर, और उस पर जो स्टोन लगेगा वो आपको चाहिए कि हम क्वार्ट्ज के साथ जाएं या नैनो वाइट के साथ जाएं जो कि थोड़े प्रीमियम साइड पे आते हैं, आपका उन्हें अफोर्ड करने का बजट नहीं है, तब भी आप उन्हें अफोर्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, आपको पूरा जो उसका स्लैब है वो परचेस करने की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है काफी सारे मार्केट में ऐसे वेंडर्स अवेलेबल हैं जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से कट करके उसकी जो भी मोल्डिंग वगैरह होगी वो बिल्कुल फिनिश करके वो स्टोन कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, और उसकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा कम निकल के आने वाली है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा छोटी थी। अब ऐसा नहीं है कि हमारा बजट टाइट है तो हम कोई भी फिर प्रीमियम मटेरियल यूज़ में नहीं ले सकते। जहाँ भी आपकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पर आप उनको ज़रूर लगाओ। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर विजन लेके ना चलना अपने इंटीरियर्स के बारे में। अगर आप अपना घर खुद से डिजाइन करने का प्लान कर रहे हो, अब उस कंडीशन में कई बार होता क्या है कि जितने भी अलग अलग इंटीरियर डिजाइन के थीम्स हैं, फिर चाहे वो
जापानी हो, स्कैंडिनेवियन हो, मिड सेंचुरी मॉडर्न, या जितने भी तरह के जो हमारे थीम्स होते हैं, हमने उन सबको मिक्स कर दिया। अभी जो फ्यूजन है वो कुछ हद तक तो चलता है कि हमने 2-3 डिजाइन का फ्यूजन क्रिएट करके उससे हमारा इंटीरियर हमने डिजाइन किया, पर उसमें हमें ये चीज देखनी होती है कि क्या 2 डिजाइन के जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किए वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते भी हैं या नहीं। आपने टोटली 2 ऑपोजिट डिजाइन टाइप्स को मिक्स करने का ट्राई किया तो ये चीज आप जरूर चेक करो कि इंटीरियर के जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं वो क्या आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते भी हैं या नहीं, या बस हमने सोफा का डिजाइन हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, टेबल हमें ये पसंद आ गई तो हमने ये सेलेक्ट कर ली, वॉल पेनलिंग हमने इस टाइप की करवा ली, बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप की चीजें हमने मिक्स कर दी, वो दिखने में सच में बहुत अच्छी है पर आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आर्टवर्क्स को, फोटो फ्रेम्स को हमें किस तरह से हैंग करना है वॉल्स के ऊपर, किस ओरिएंटेशन में वो होने चाहिए, क्या सही तरीका है, क्या सही हाइट है उसका, उसी के साथ अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये भी निकल के आता है कि जो भी जेनरिक आर्टवर्क्स होते हैं कुछ इस टाइप के, ये आपको कभी हैंग नहीं करने, बहुत ज्यादा गंदे लगने वाले हैं, इनके साथ कभी मत जाना आपको कितने ही पसंद आ रहे हो। और सेकेंड थिंग, जितने भी कोट्स होते हैं वो तो कभी हैंग मत करना अनलेस आप किसी वर्क स्पेस के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो, वो बात अलग है, पर जो भी हमारे बेडरूम है, लिविंग रूम्स है, डाइनिंग एरिया हमारा घर के अंदर, उन्हें आप हैंग मत करना, बहुत ज्यादा गंदे लगने वाले हैं। अब इसके अंदर आप किस में जा सकते हो, ओरिजिनल आर्टवर्क के साथ जाओ, अब जरूर नहीं आपको किसी आर्टिस्ट का ओरिजिनल आर्टवर्क ही परचेस करना है, इसमें सबसे ज्यादा जो आज के टाइम पे इन ट्रेंड है और सबसे सेफ ऑप्शन और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो है एब्स्ट्रैक्ट आर्टवर्क, और इसके साथ आप इजीली बोर भी नहीं होने वाले। या जो भी ओरिजिनल आर्टवर्क्स होते हैं आप सर्च करो, जैसे कि मुझे पर्सनली जैपनीज आर्टवर्क्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस तरह से आपका जो भी टेस्ट है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करो, जेनरिक आर्टवर्क के साथ बिल्कुल मत जाना और कोट्स तो बिल्कुल इंस्टॉल मत करना। लास्ट पॉइंट है लार्ज साइज ओपनिंग्स, हालांकि एक इंटीरियर डिजाइन मिस्टेक नहीं है, यह एक आर्किटेक्चरल मिस्टेक है, पर हाँ इससे हमारे इंटीरियर के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो भी हमारे घर की विंडोज होने वाली है, डोर्स होने वाले हैं, हमें लार्ज साइज के अंदर लेने, विंडोज का साइज जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा रखो। डोर्स की जो हाइट है वो हमें आज के टाइम पे एक तरह से स्टैंडर्ड बन चुकी है कि 8 फीट तो हमारी डोर की हाइट होनी चाहिए और 7.5 फीट तो मिनिमम हो चुका है आज के टाइम पर। आप चाहे भले इंटीरियर के ऊपर ज्यादा खर्चा करो या मत करो, पर अगर आपके घर के अंदर जितनी ज्यादा नेचुरल लाइट आएगी उतना ही ज्यादा अच्छा आपका घर लगेगा और इससे हमारी हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब कई कंडीशन में हमारे घर तीनों साइड से कवर होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप स्काईलाइट्स के साथ भी जा सकते हो। इन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग चाहिए, आपको ये चीज अपने आर्किटेक्ट के साथ जरूर डिस्कस करनी है। आपके घर के अंदर जितनी ज्यादा नेचुरल लाइट होगी, एक डिसेंट बजट का भी अगर इंटीरियर करवाया तो ये उसे भी कहीं ज्यादा एलिवेट करने वाला है। और दिन में अगर आपको एक आर्टिफिशियल लाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है घर के अंदर, फिर चाहे आपने इंटीरियर पे कितना ही खर्चा कर दिया हो, वो स्पेस कभी भी इतना ज्यादा लिवेबल नहीं लगने वाला। तो ये सच में कोई छोटी चीज नहीं है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बना सकते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइम पर रिप्लाई करने का। और हर वीक ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।